तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज कुछ ज़्यादा कुछ खास प्लान नहीं है कहीं जाने का, एंड बनता है तो फिर आप लोग देख सकते हो। और मैं भी उठाई हूँ जस्ट, आप देख सकते हो पलंग पे हूँ। एंड आपको नहा धो के फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जब तक के लिए। तो गाइस हमारा जाने की प्लान बन चुका था राधा देवी जाने का, तो मैं आपको बता नहीं पाया। तो आप बता रहा हूँ मैं गाड़ी पे चलते चलते, और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और राधा देवी अस्थावर के अंदर ही पड़ती है, तो आप देख सकते हो कितने पहाड़ों के अंदर। अभी तो हम बहुत अंदर जाएंगे, तो आप देखना कितना अंदर तक जाते हैं। और राधा देवी मैया के दर्शन करते बाहर से कराऊंगा, क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे थे वो, और अलाउ भी नहीं था। तो हम पहुंच चुके हैं राधा देवी मैया के एंट्रेंस पे, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और अभी तो हमें आगे भी भीड़ मिलेगी, लेकिन उस वहाँ पे क्या फोटो या वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं दूर से बताऊंगा, देख सकते हो आप कितनी भीड़ है अंदर। तो मैं दर्शन करके आता हूँ। यहाँ पर मैं नारियल बदलने आया था, मैं और मेरे पापा। तो हम नारियल बदल गाइस मैं वहाँ राधा देवी से वापस आ चुका हूँ, और हमें आते आते 10-11 बज गई थी, तो लेट हो गया था। तो मेरे मेरी कैमरा भी स्विच ऑफ हो गया था, मैं वेट ही नहीं रही थी इसमें। और अंदर की साइड जो वीडियो वीडियो फोटो वोटो बनाने दे नहीं रहते, तो उस चक्कर में मैं राधा देवी मैया का फोटो नहीं डाल पाया, नहीं आपको बता पाया कैसा श्रृंगार है वहाँ का। तो उसके लिए मैं सोच जाता हूँ काम पकड़ के। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।